श्रीलंका में भी आईपीकेएफ में था, कारगिल में भी मैंने अपना देश का रक्षा किया, लेकिन अभी मैं रिटायर होने के बाद अपना घर, अपना बीवी को, अपना गांव वाला को रक्षा नहीं कर पाया। पता मनीष प्रसाद ने उस महिला के पति से बात की जो मैत्री उग्रवादियों के चंगुल में फंस गई थी। इस महिला के पति ने डिटेल में बताया कि उस दिन क्या हुआ था। आप 4 मई की दास्तान सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर, कितना दुख हुआ है। मैं श्रीलंका में भी आईपीकेएफ में था, कारगिल में भी मैंने अपना देश का रक्षा किया, लेकिन अभी मैं रिटायर होने के बाद अपना घर, अपना बीवी को, अपना गांव वाला को रक्षा नहीं कर पाया है। दुख के साथ कहने का परा, इतना दुख लगा है। जैसे लेडी से जो जेंट्स ज्यादा है, इनका बीच में कपड़ा उतर के ये लोग ड्रामा के तौर पर देख रहे, घेर रहे है। देखिए, एक इंसान का रीति रिवाज नहीं, जनवर भी इतना तक नहीं करता। और जो एक लड़की भाई और बेटा जान से मार दिया है, और मेरा पत्नी ही है, और 3 औरतें थे। ये लोग जो है, ये जो है पहला इन्फॉर्म किया हुआ है, 3 तारीख रात को इन्फॉर्म किया हुआ है, इनको रिपोर्ट किया हुआ है। मैंने ओसी माई ओसी को रिपोर्ट किया हुआ है। और ये लोग आया है रात को, एक 2 मकान जला दिया था, उसमें ये लोग में पुलिस वाला जो बीच में खड़ा हो गया, और अपना जो मेरी पार्टी को पक्ष में हो गया। लेकिन सुबह ये लोग दिन को जब जलाना शुरू किया, उस टाइम में पहला सुबह आया था हमारे घर का, गांव का आसपास में, जब ऊपर से जो एक दो मकान जला दिया, गांव जलाने के बाद पुलिस वाला वहां से छोड़ के पुलिस स्टेशन में चले गए। तो पुलिस ने उन लोगों की साइड ली, आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया, रोका नहीं इन लोगों को जब ये घर जला रहे थे या फिर इस महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे? नहीं रुका सर, आया था शुरू रात को आया था, क्योंकि जब जलाने से पहले आया था, और रात को जब जलाया था, नाम से तो आया है, ये लोग नहीं रुका। ये लोग मुख्य तो बोल रहे ये, और लेकिन तो कोई नहीं रुका। ऐसे तरह बेकसूर को जान से मारने वाला और महिलाओं को ऐसे कपड़ा शर्म दिलाने वाला, और इनको इनके ऊपर ही सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। फौज के इस जवान की बात को सुनकर दिल रो उठता है। मणिपुर के वायरल वीडियो में कुछ अपराधी साफ तौर पर पहचाने जा सकते हैं, उनके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस इन जवानों में से सिर्फ 2 को पकड़ पाई है। इस तस्वीर में जिस युवक ने लड़की को पकड़ रखा है, उस युवक का नाम हुइरेम हिरोदास मैती है। 32 साल का हिरोदास अवांग लिकाई गांव का रहने वाला है। इस वारदात के 78 दिन बाद आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है, और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही बाकी सभी आरोपी पकड़े जाएंगे।